देखो इस वीडियो के अंदर मैं उन 5 कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जिनको अगले साल इंडियन मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा। हालांकि इसका जो पार्ट 1 वीडियो है उसको ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है, मतलब जिन कारों को इस साल के एंड में इसके अलावा अगले साल की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाया है, उसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। जो सबसे पहली कार आती है जिसको अगले साल लॉन्च किया जाना है वो है क्रेटा का फेसलिफ्ट वेरिएंट। हालांकि हुंडई कंपनी ने रिसेंटली क्रेटा के फेसलिफ्ट मॉडल को अनवील कर दिया था। इसका एक्सटर्नल लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही बड़े अपडेट के साथ क्रेटा के फेसलिफ्ट मॉडल को लॉन्च किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब मिडी साइज एसयूवी सेगमेंट में बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिशन टफ हो चुकी है। इसके चेंजेस की अगर मैं बात करूँ तो इसके फ्रंट फीचर में अब आपको न्यू पैरामेट्रिक ग्रिल्स देखने को मिल जाएगी जो कि हुंडई टक्सन से इंस्पायर्ड है। इसके अलावा हुंडई टक्सन वाला ही लाइटिंग सेटअप अब आपको क्रेटा के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसके इंटीरियर में कुछ फीचर्स को ऐड किया जाएगा, जैसे कि अब इसके अंदर आपको नया बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने वाला है और अच्छे खासे फीचर्स हुंडई की क्रेटा फेसलिफ्ट के अंदर दिए जाएंगे। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि क्रेटा फेसलिफ्ट के अंदर एडास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जाएगा। हालांकि सेम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपको एक्सयूवी 700 के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा एमजी एस्टर के अंदर भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्रेटा के अंदर आपको ये सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। वही हुंडई कंपनी क्रेटा के फेसलिफ्ट मॉडल को सबसे पहले इंडोनेशिया में लॉन्च करेगी और इंडियन मार्केट में क्रेटा का फेसलिफ्ट मॉडल अगले साल के मिड तक आ सकता है और इसकी कीमत 50,000 से लेकर 1,00,000 थोड़ी सी ज्यादा रह सकती है एज कम्पेयर टू करंट मॉडल। जो सेकेंड नंबर की कार आती है जिसको बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा वो है एमजी की मार्वल आर। ये एक इलेक्ट्रिक एसयूवी कार होने वाली है एमजी की तरफ से। इसके अंदर भी काफी कमाल के फीचर्स दिए जाएंगे। एमजी की मार्वल आर एक सिंगल चार्ज में 400 किलोमीटर तक की रेंज देगी, यानी एक सिंगल चार्ज में ये कार लगभग 400 किलोमीटर तक चलेगी। इसके अंदर एमजी कंपनी ड्यूल मोटर का सेटअप भी देगी जिसकी मदद से ये कार लगभग 178 bhp की पावर आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएगी। इसके अलावा इसके अंदर आपको एडिशनल मोटर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। इसके इंटीरियर में काफी प्रीमियम फीचर्स ऑफर करे जाएंगे, जैसे कि बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, सनरूफ भी इसके अंदर दिया जाएगा और प्रीमियम लेदर का इस्तेमाल आपको एमजी की इस कार के अंदर देखने को मिल जाएगा। इस कार को अगले 1-2 महीने के अंदर इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा ऑफिशियली और इसकी कीमत 25,00,000 रुपए के ऊपर ही रहेगी क्योंकि इसके अंदर आपको काफी कमाल के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। वहीं जो थर्ड नंबर की कार आती है जिसको अगले साल इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा वह है नेक्स्ट जनरेशन विटारा ब्रेजा। हालांकि मारुति सुजुकी कंपनी विटारा ब्रेजा के ऊपर काम कर रही है और इसको रिसेंटली स्पाइड भी किया जा चुका है टेस्टिंग के दौरान, तो इसके अंदर भी हमें काफी बड़े चेंजेस देखने को मिल जाएंगे एक्सटीरियर में और इसके इंटीरियर में बहुत सारे नए फीचर्स को ऐड भी किया जाएगा। इसको अगले साल के स्टार्टिंग में इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा और इसकी कीमत करंट मॉडल के मुकाबले 30,000 से लेकर 50,000 थोड़ी सी ज्यादा रह सकती है। जो फोर्थ नंबर की कार आती है जिसको बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा वो है मारुति सुजुकी की जिम्नी। हालांकि इस कार का बहुत सारे लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जिस मॉडल को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा सेम मॉडल को ग्लोबल मार्केट में बेचा जा रहा है, यानी इंडिया में इस मॉडल की मैन्युफैक्चरिंग चल रही है और इसको दुबई और बाकी के कंट्रीज में इसको बेचा जा रहा है। तो यहाँ पर मारुति सुजुकी कंपनी सेम मॉडल को इंडियन मार्केट में बहुत जल्दी लॉन्च करने वाली है। ये एक ऑफ रोडर कार होने वाली है, तो इसका मुकाबला इंडियन मार्केट में महिंद्रा की थार के साथ रहेगा। इसके अलावा फोर्स की गुरका के साथ भी ये कम्पीट करने वाली है। जिम्नी के एक्सटीरियर में और इंटीरियर में काफी अपडेट्स करे गए हैं, बहुत सारी चीजों को इम्प्रूव भी करा गया है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग इस कार का वेट कर रहे हैं। इस कार को अप्रैल 2022 तक इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है और इसकी बेस मॉडल की कीमत 1,00,000 रुपए से शुरू हो सकती है इंडिया में। जो लास्ट कार आती है जिसको अगले साल इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाना है वो है जीप की कमांडर। हालांकि कंपास का ये 7-सीटर वेरियंट रहने वाला है और जीप कंपनी इस कार को मेरिडियन नाम से इंडियन मार्केट में उतारेगी। इसके अंदर भी काफी कमाल के फीचर्स हमें देखने को मिल जाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका मुकाबला इंडियन मार्केट में फॉर्च्यूनर के साथ रहेगा। इसके अलावा एमजी की ग्लोस्टर के साथ भी इसका तगड़ा मुकाबला रहने वाला है क्योंकि प्राइसिंग को देखते हुए, इसके अलावा फीचर्स को देखते हुए डेफिनेटली ये कार फॉर्च्यूनर और ग्लोस्टर को टक्कर देने वाली है। इसका जो एक्सटीरियर है काफी कमाल का रहने वाला है और इसके इंटीरियर में बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स भी ऑफर किए जाएंगे। लॉन्चिंग की अगर मैं बात करूं तो जीप कंपनी इस कार को मई 2022 तक इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगी और इसकी कीमत 30-35 लाख रुपए के ऊपर ही रहेगी। तो इन 5 एसयूवी कारों को अगले साल इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाना है, इनमें से आप किस एसयूवी कार का वेट कर रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चले कि अगले साल इंडियन मार्केट में कौन सी एसयूवी कारें लॉन्च होने वाली है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, राइड सेफ, वियर हेलमेट, वियर सीट बेल्ट। थैंक यू सो मच।